उस पे तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा, उस पे तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा, वरना वापस जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में। सब लोगों को केंद्र सरकार द्वारा ये उम्मीद थी कि उनको राहत मिलेगी, उसके आवाज़ में केंद्र सरकार ने क्या किया, केंद्र सरकार ने पिछले दो महीने में 22 बार तेल के दाम बढ़ा दिए। प्रदेश अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उत्तराखंड प्रीतम सिंह, प्रदेश अध्यक्ष राजीव गांधी पंचायती राज संगठन मोहित उनियाल, जिला अध्यक्ष रुद्रप्रयाग ईश्वर बिष्ट और क्षेत्र पंचायत प्रमुख जखोली प्रदीप प्रसाद थपलियाल के आह्वान पर राजीव गांधी पंचायत राज संगठन के जिला संयोजक एवं क्षेत्र पंचायत सदस्य अजय पुंडीर ने अपने युवा साथियों के साथ मिलकर केंद्र सरकार द्वारा लगातार डीजल, पेट्रोल एवं खाद तेल के बढ़ते दामों के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया तथा केंद्र सरकार का पुतला भी फूंका। अजय पुंडीर का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा जिस प्रकार से लगातार तेल के दामों को बढ़ाने का काम किया जा रहा है वो बिल्कुल निंदनीय है तथा इस संकट के समय जहां सरकार को आम जनमानस की मदद करनी चाहिए, जहां हर चीज़ में उनको सब्सिडी मिलनी चाहिए, ऐसे समय में जब लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, नौकरियों का अकाल पड़ चुका है, खाने के लाले पड़ चुके हैं, ऐसे समय में तेल के दाम बढ़ाकर सरकार आम आदमी का जीना दुश्वार कर रही है। आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले के युवा कांग्रेस नेता अजय पुंडीर, जो कि अपनी टीम के साथ यहां पर पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दामों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम अजय पुंडीर जी से जानना चाहेंगे। अजय पुंडीर जी, आपका स्वागत है डेली डायरी में। जैसे कि देख रहे हैं कि यहाँ पे आप लोग पुतला जला रहे हैं, तो आप अपना रोष किस प्रकार प्रकट कर रहे हैं और केंद्र सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? जैसे कि आप जानते हैं कि आज हमारा पूरा विश्व और पूरा प्रदेश, पूरा देश हमारा कोरोना जैसी महामारी में की मार झेल रहा है, और इस महामारी के बाद जब लोगों को केंद्र सरकार द्वारा ये उम्मीद थी कि उनको राहत मिलेगी, उसके आवाज़ में केंद्र सरकार ने क्या किया, केंद्र सरकार ने पिछले दो महीने में 22 बार तेल के दाम बढ़ा दिए। और उन दामों की आप सीधा सीधा देखेंगे, अगर तेल या तेल के दाम बढ़ते हैं तो उससे जो ट्रांसपोर्ट होगा वो महंगा होगा, और अगर ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो जो भी सामान आएगा आपके घरों तक पहुंचेगा वो महंगी दरों पर आएगा, जिससे पूरे घर की रसोई पर इसका असर पड़ेगा। और इस समय जब देश में उत्तराखंड में आप लगाओ कि बेरोजगारी 6% बढ़ गई है, मतलब पहले से 6% बेरोजगारी बढ़ गई, ऐसे हालातों में अगर इस तरह के तेल के दाम बढ़ेंगे तो उत्तराखंड पे किस तरह से कमर तोड़ने की यहाँ पर साजिश रची जा रही है, इसके विरोध में आज हम लोगों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया है और पुरजोर मात्रा में मोदी सरकार का विरोध किया है। और हम लोग चाहते हैं ये तेल के दाम जिस तरह से मोदी सरकार ने लगातार दो महीने के भीतर बढ़ाए हैं, इन दामों को लगातार कम करने का काम मोदी सरकार करेगी, हमें उम्मीद है। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे डीजल और पेट्रोल के दाम के साथ साथ खाद्य तेल के भी दाम बढ़े हैं, और यहाँ जैसे ग्रामीण क्षेत्र में, जैसे कि उत्तराखंड एक कृषि प्रधान राज्य है, वहाँ पे लोगों को जो है तेल की जो आपूर्ति है वो दूसरे राज्यों से करनी पड़ती है, उसके बारे में यहाँ पे जो युवा है उनके बीच काफी आक्रोश है, वो चाहते हैं कि तेल के दामों में जो है बढ़ोतरी ना की जाए और राज्य सरकार और केंद्र सरकार इसके ऊपर संज्ञान ले। अजय पुंडीर जी, आप हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।